हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ फाइनेंस। टीम में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे जेपी एसोसिएट के बारे में, जयप्रकाश एसोसिएट कंपनी के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में जेपी एसोसिएट के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरी कोई एडवाइज नहीं है कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। यह आपका खुद का डिलीजेंस होना चाहिए, आपका खुद का यहाँ पे स्टडी होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मेरे कहने से यहाँ पे कैसे फाइनेंशियल स्टडी करते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न देखते हैं, कैसे बिजनेस एनालाइज करते हैं, और वी विल चेक इट आउट हियर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो जब हम जयप्रकाश एसोसिएट पे यहाँ पर आए तो हम इसकी वेबसाइट पर गए हैं। तो जेपी एसोसिएट एक टाइम पे काफ़ी अच्छी कंपनी हुआ करती थी और काफ़ी महंगा इनका शेयर का प्राइस ट्रेड हुआ करता था। अगर हम देखें तो 2008 में तकरीबन ये शेयर का प्राइस अबव 300 रुपीज़ के आसपास था और ये शेयर का प्राइस 3 रुपये के आसपास भी गया है। और मतलब मैं अर्थ से लेके फर्स्ट तक की इसकी कहानी है। और वी विल गो टू इट्स वेबसाइट, देखेंगे क्या क्या बिजनेस में अभी भी है ये। हॉस्पिटलिटी में, फर्टिलाइजर में, हेल्थ केयर में, रियल इस्टेट में है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दिख रहा है यहाँ पर एज वेल। तो ये इनकी कुछ कंपनियाँ हैं, जेपी इंफ्रा, जेपी भिलाई, जेपी सीमेंट, गुजरात जेपी सीमेंट, लेपुत्र एविएशन लिमिटेड, जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड, जेपी फर्टिलाइजर, जेपी इंफ्राटेक, जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड, और जयप्रकाश एग्री, संगम पावर। और ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है जो जेपी पावर के अंडर स्टैंड, और उनके जो ब्रांड हैं वो नीचे आ रहे हैं। आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो क्विकली। ये इनके ब्रांड हैं जेपी हॉस्पिटल, जेपी ग्रीन, जेपी होटल्स, जेपी सीमेंट। ये दी सच ब्रांड्स आर वर्किंग अंडर द जेपी एसोसिएट। एंड जेपी एसोसिएट एक टाइम पे काफ़ी अच्छी कंपनी हुआ करती थी, अभी फिलहाल में इसके फाइनेंशियल पूरी तरह से एक तरह से वर्स्ट फाइनेंशियल है प्रेजेंट में। तो वी विल गो टू जस्ट स्किनर कि क्या इस कंपनी में क्या किया सकता है। ये एक डिस्क्लेमर के साथ रहेगा कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर नहीं है। और चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी दिया गया है कि ये किस किस सेक्टर में अभी फ़िलहाल में है। तो यहाँ पे दिया गया है इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट में, पावर में, रियल एस्टेट में, होटल्स एंड हॉस्पिटलिटी एंड स्पोर्ट्स में है। तो इनका जो रेवेन्यू फाइनेंशियल 2022 में फर्टिलाइजर से 37% आया, कंस्ट्रक्शन से 33.5, सीमेंट से 22 आया, और रियल इस्टेट से 4% आया, होटल एंड हॉस्पिटलिटी से 3% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो 89% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी का 11%। तो इनके पास एक जो फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स की कंपनी है वो कानपुर में है, सब्सिडरी इनकी है, एंड सीमेंट एक कंपनी है, और डेट इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। द कंपनी हैज टोटल डेट ऑफ 19,097 करोड़, एंड फाइनेंशियल 2022 द लेंडर ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव द डीप रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी डेट इन द ज्वाइंट लेंडर फॉर्म डेटेड 22/6/2017। तो इनकी जो लैंडिंग थी उसका रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं फाइनेंशियल की तरफ। अगर हम बात करेंगे तो इसकी मार्केट कैपिटल 2131 करोड़ की है, करंट प्राइस 8.70 रुपये है, और ऑल 52 वीक का जो हाई है वो 12.50 रुपये है, और लो 7 रुपये है। स्टॉक का पी कुछ है नहीं क्योंकि कंपनी लॉस में है, बुक वैल्यू माइनस में है, फाइनेंशियल इसके सारे गड़बड़ाए हैं। मैं अब ओवरऑल व्यू दूंगा अपना इस कंपनी के बारे में। डिविडेंड कुछ देती नहीं है, ROCE माइनस में, ROE भी माइनस में, -202% है, फेस वैल्यू 2 रुपये, प्राइस टू बुक वैल्यू है नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग 38.2 है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बोला जाए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में है, करंट रेशियो 1.4 है, मार्केट कैप 3 साल पहले 1326 करोड़ हुआ करती थी, और 5 साल पहले 3345 करोड़ की हुआ करती थी, 7 साल पहले 6000 करोड़ की मार्केट कैप हुआ करती थी। प्राइस टू अर्निंग कोई रेशियो बनता ही नहीं है। ROIC 2.77 है, इंडस्ट्रीज़ का P 32.7 है। तो इनकी जो रेशियो है सारे गड़बड़ाए हुए हैं, इन द सेंस ऑफ कुछ भी अच्छा नहीं है कंपनी के साथ अगर हम फाइनेंशियल की बात करें। अब हम देख लेते हैं इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो दिसंबर के जो रिजल्ट आए हैं उसमें सेल्स 1896 करोड़ की जनरेट हुई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थी कंपनी, 74 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जो अगर हम प्रीवियस से देखेंगे तो भी कम ही है एक तरह से, कहीं ज़्यादा आता है कहीं कम आता है, और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 4% है। अदर इनकम देखें तो 70 करोड़ इसके पास अदर इनकम दिख रही है। इंटरेस्ट का सबसे बड़ा इनका जो लॉस में कंपनी है उसका रीजन है इंटरेस्ट, हैवी डेट है इनके पास, तो 300 करोड़ का इनके पास जो इंटरेस्ट जा रहा है।
तो ओवरऑल कंपनी लॉस में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लॉस में, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी लॉस है। पिछले 12 क्वार्टर से कंपनी लगातार लॉस में है, सिर्फ एक क्वार्टर छोड़ के, वो है मार्च 21 का क्वार्टर। अदरवाइज द कंपनी इज ऑल टोटली इन लॉस एंड ईपीएस भी लॉस में ही है इनकी। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इनकी सेल्स लगातार घट रही है, अगर आप देखेंगे तो सेल्स लगातार गिर रही है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 7,662 करोड़ की सेल्स दिख रही है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी दिख रही है माइनस में, और नेट प्रॉफिट भी इनका लॉस में दिख रहा है। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखे जाए तो कंपनी एसएल 2014 से लॉस में है, और 2014 से जो कंपनी लॉस है, तो मुझे ऐसा कोई व्यू नहीं लगता कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करने हैं तो कंपनी 6,000 लिस्टेड है, आप कोई भी एक कंपनी चुन लीजिए, पर उसके इस जैसे फाइनेंशियल नहीं होना चाहिए, और ना ही कंपनी में कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, टर्न अराउंड होने वाला है कि कंपनी सब कुछ है। ये टाइप की बिजनेस और भी कंपनियां कर रही हैं, वो इससे अच्छा बिजनेस कर रही हैं, दे आर गेटिंग नेट प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उनकी, और कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और कंपनी के शेयर भी अभी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर ट्रेड हो रहे हैं। तो वे मेरे हिसाब से अगर जो भी कुछ लगाना हो यहाँ पे, इसकी जगह कोई और अच्छी कंपनी में लगा लीजिएगा। चलिए और बात कर लेते हैं फाइनेंशियल के बारे में। ईपीएस माइनस में है। बैलेंस शीट की बात करें तो इनके पास शेयर कैपिटल 491 करोड़ का है, रिजर्व इनके पास माइनस में है। मतलब सोचिए आप, जिस कंपनी का रिजर्व ही माइनस में घुस गया, एंड बोरिंग लगातार एक तरह से कम हो रही है, बोरिंग एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी, बोरिंग बहुत ज़्यादा है। 19,154 करोड़ के इनके पास लोन है, और फिक्स असेट की बात करें तो 8,363 करोड़ के फिक्स असेट है। बोरिंग बढ़ रही है, फिक्स असेट कम हो रहा है, तो इट इज़ ए नॉट अ गुड सिंबल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक आध पॉइंट में हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कोई कंपनी के, वास्तव में अपने पुराने जो बैड इंडस्ट्रीज थी, बैड उनके जो लोन्स थे, या फिर बैड जो बिजनेसेस थे, कई सारी कंपनी की जो सब्सिडरी रहती हैं, अगर उनको वो सेलेक्ट आउट कर दें और अपने मेन फोकस एक पर्टिकुलर एक बिजनेस पे फोकस करें तो समझ में आता है, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है इनके पास। CWIP में 194 करोड़ दिख रहा है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास सिर्फ 38.16 होल्डिंग है, और FI के पास सिर्फ 1% दिख रहा है, वो भी कम हो गए। DI के पास 1.89 दिख रहा है, वो भी धीरे धीरे करके यहाँ से निकल ही रहे हैं। FI निकल चुके हैं, DI निकल चुके हैं, इवन LIC ने तक अपनी पूरी होल्डिंग यहाँ से निकाल ली है। सो एज सच ना, इसमें सिर्फ प्रमोटर है, और सारा का सारा जो माल भरा हुआ है, सारा का सारा जो शेयर होल्डिंग ले रखी है, वो पब्लिक ने ले रखी है। पब्लिक की यहाँ पे होल्डिंग है मोर देन 58% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है, तो जहाँ पे मतलब एक तरह से ट्रैप में फंस चुके हैं पब्लिक, इसमें 58% में मतलब मैं प्रमोटर कौन है, प्रमोटर से पब्लिक हुआ ना, एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी एक्ट, जिनके पास 51% होल्डिंग होगी, दे विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी, दे विल बी द मैनेजमेंट, दे विल बी द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, दे विल बी पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इस कंपनी में कौन होगी, तो पब्लिक होगी, पब्लिक तो ऐसा है नहीं कोई, इक्का दुक्का करके जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट लिया हो, जो लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं, बाकी प्रोमोटर चला रहे, क्या बिजनेस चला रहे, आई डोंट नो। सो मेरे हिसाब से JP एसोसिएट में कोई कॉल नहीं बनती है यहाँ से, इस टाइप के बिजनेस को लेके कोई फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है, कोई यूनिक हो या कोई ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ऐसा कर रहे हो जे, तो ऐसा मुझे ये इसमें कुछ भी कॉल नहीं दिखती है JP एसोसिएट में। और एक और इनका जब चार्ट पैटर्न की बात कर लें, तो अभी जो बात करें तो कंपनी एक तरह से इस ट्रेंड पर काफ़ी दिनों से चल रही है, उसी रेट के आसपास, जनवरी 2021 से, जनवरी 2022 चला गया, जनवरी 2023 चला गया, और इवन 2 साल में किसी भी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिला रिटर्न, ऐसा कोई रिटर्न ही नहीं मिला। अगर जिसने यहाँ पे लिया हो, दे आर ऑल्सो लॉस, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा वो भी अच्छे खासे हॉल में लॉस में, मोर देन 50% लॉस में यहाँ पे, जहाँ पे जिसने यहाँ पर जहाँ ऊपर शेयर गया है, ये जैसे रेंज गया ऊपर, यहाँ पे लॉस में रहा है, यहाँ पे भी जब शेयर ऊपर गया तो वो भी लॉस में रहे, क्योंकि उस लॉस को कवर भी नहीं कर पाए, या तो वो लॉस काट के निकले होंगे, लॉस बुक करके निकले होंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें चार्ट पैटर्न तो कुछ बनता ही नहीं है, जब फाइनेंशियल सही नहीं है तो उसका चार्ट क्या देखेंगे। मेनली मैं पहले बिजनेस देखता हूँ, अगर बिजनेस सस्टेनेबल है, बिजनेस में ग्रोथ है, तो हम उसके फाइनेंशियल भी चेक करते हैं, फाइनेंशियल में भी वो चीज़ झलक दिखती है, और कभी कभार छोटे मोटे फाइनेंशियल कम ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है तो हम फाइनेंशियल भी देख लेंगे। पर फाइनेंशियल भी एक दो क्वार्टर के एडजस्टेबल होते हैं, पिछले 12 क्वार्टर से कंपनी लॉस में है, 2016 से कंपनी लॉस में है, तो हम कहाँ तक उसके लिए जस्टिफाई करेंगे, नहीं कब आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो ऐसी वो एक मूवी थी, क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो करण अर्जुन इसमें तो मुझे दिखते नहीं है, ना नेट प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, ना इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है एज सच, सो एंड चार्ट में भी नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इस टाइप से एक स्टॉक से शेयर होल्डर को, या फिर आप लोग जैसे जो ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, इस टाइप के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। दिस इज द कॉल्ड पेनी स्टॉक। पेनी का शब्द ही उसका स्टार्ट होता है पेन से, दे विल डेफिनेट द गिव द पेन। और अगर आपको कुछ रिलीफ भी दे दिया, तो आपने कोई ऐसा ज़्यादा कुछ पैसा नहीं बना लिया होगा। अगर आपने 1,00,000 रुपये के शेयर खरीदे होंगे, 1,50,000 में बेच लोगे, बट यू विल हैव एवरी टाइम टेंशंस। सो मेरे हिसाब से इस टाइप की कंपनी को इन्वेस्ट करने के पीछे कुछ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तो जेपी पावर में मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बाकी आपका स्वयं का डिलीजेंस होगा। दिस वीडियो वॉज ओनली ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।